वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर हमने Vivo V23 का लॉन्च होने से पहले ही गिव अवे अनाउंस कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडिया में 5 जनवरी को Vivo अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, Vivo Y23 Pro। हालांकि एक बेसिक भी आएगा Vivo V23, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V23 Pro के बारे में। ये Vivo का ऑफलाइन मार्केट का सेकंड स्मार्टफोन है। एक पहला आया था Y21T, जिसकी मैंने आपको पूरे इंडिया में पहले अनबॉक्सिंग दे दी है। ये दूसरा स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि Oppo की तरफ से भी एक स्मार्टफोन Reno 7 सीरीज का Reno 7 Pro आने के बहुत तकड़े चांस है लगभग जनवरी के लास्ट में। तो अभी है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ सवाल ऐसे मिलते हैं कि हमें Reno 7 Pro का वेट करना चाहिए या फिर प्री बुकिंग कर देनी चाहिए Vivo V23 Pro की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोनों स्मार्टफोन में क्या क्या फर्क है Vivo V23 Pro में और Oppo के Reno 7 Pro के अंदर, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर एक चीज के अंदर, क्योंकि इतिहास गवाह है हमारे चैनल का कि Reno 7 सीरीज, Vivo की V सीरीज, इन सब की अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर लगभग सबसे पहले आती है। तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बना है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वैसे तो हर स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड हैंड फील अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे दिन और रात की जितना फर्क है, क्योंकि Vivo के अंदर ये पहला स्मार्टफोन है इंडिया का जो कि कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है। यहाँ पर जो बैक पैनल है ना, वो आपको कलर चेंजिंग मिलता है। लाइट गिरने पर ये जो स्मार्टफोन है अपना कलर चेंज करता है गोल्डन ट्यूब ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीनिश कलर के अंदर, जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा यूनिक और पहला स्मार्टफोन है Vivo की तरफ से। अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो ये स्मार्टफोन काफी हद तक हल्का है, 171 ग्राम का, काफी थिन भी है, 7.44 mm। यहाँ पर आपको मेटल और ग्लास की डिजाइन मिलने वाली है। ये स्मार्टफोन दोस्तों 3D कर्व के साथ में आता है। इसका जो बेसिक है ना Vivo V23, वो आता है बॉक्सी, लेकिन प्रो ये आता है एकदम 3D कर्वी डिजाइन में। इसका जो कलर चेंजिंग ऑप्शन है दोस्तों, वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करता है। अगर हम बात करते हैं Reno 7 Pro की, ये स्मार्टफोन कंपैरेटिवली थोड़ा सा भारी है, 185 ग्राम का, 7.45 mm ये थिन है, यानी कि लगभग सेम है 7.44 7.45। यहां पर भी आपको मेटल ग्लास की डिजाइन मिलती है। ये दोस्तों थोड़ा बॉक्सी है, Vivo आपको मिलता है कर्व के अंदर, ये आपको मिलता है एकदम फुल्ली बॉक्सी शेप के अंदर। वहां पर क्या है कि कलर चेंजिंग ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहां Reno 7 Pro में आपको जो कैमरा मॉड्यूल है उसके किनारे पर आपको एक LED डिजाइन मिलती है। जब भी नोटिफिकेशन आता है या फिर बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो वहां पर एक लाइटनिंग चलती है किनारे किनारे पे। तो ये अपने आप में एक काफी बेहतर बात है। तो ये है दोस्तों दोनों की फिजिकल ओवरव्यू। दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात बताऊं आपको कि जो Vivo है वो कलर चेंजिंग ऑप्शन लाता है, वो बेहतर है, लेकिन जो Reno है ना, इसकी जो क्रिस्टल कटिंग डिजाइन है थर्ड जनरेशन की, उसके अलावा जो कैमरा मॉड्यूल है वो और जो LED लाइट है वो, ये भी इसे काफी हद तक बेहतर बनाता है। बिल्ड क्वालिटी को एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि फोन डिपेंड करता है बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी, दिखाने के ऊपर ना, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। तो मेन यहां पर फर्क क्या है, वेट, थिकनेस, मेटल ग्लास, ये सब कुछ अपनी जगह है। मेन फर्क ये है कि V23 Pro ये है कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है, इसके साथ में ये 3D कर्व डिजाइन में आता है। Reno की बात की जाए, ये फुल्ली बॉक्सी डिजाइन के साथ में आता है, और इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी अलग-अलग है, और दो अलग-अलग यूजर के लिए दोनों की चॉइस अलग-अलग हो सकती है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, Vivo में आपको मिलती है 6.56 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, 90Hz का दोस्तों यहां पे पैनल है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा आपको, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ब्राइटनेस पीक यहां पे आता है 1300 nits का, जो कि इसे काफी हद तक बेहतर बनाता है। अगर हम बात करते हैं Reno की, 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED, 90Hz है, यहां पर भी आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, 180Hz की टच सैंपलिंग रेट मिलती है, लेकिन ब्राइटनेस पीक कम है, यहां पर आपको मिलती है मैक्सिमम 920 की, 920 nits की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है, दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो दोनों ही के जो प्रोसेसर है ना, वो कैपेबल है 120Hz के लिए, लेकिन दोनों में आपको एक तो 90Hz मिल गया,
उसके अलावा यहाँ पर फर्क क्या है, एक तो फर्क आता है ब्राइटनेस पीक का। वीवो आपको अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं उस केस में ब्राइटनेस ज्यादा दे पाएगा। ऑलराइट, इसकी जो डिस्प्ले है वो कर्व है। रेनो की बात की जाए, ब्राइटनेस पीक कम है और जो डिस्प्ले है वो फ्लैट है। दैट्स इट। मेन फर्क यहाँ पे यही है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं उस केस में आपको वीवो बेहतर दे पाएगा। बाकी डिजाइन है दोस्तों, 3D कर्व है या फिर फ्लैट है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, तो दोनों में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200। ये आता है दोस्तों 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित प्रोसेसर है, काफी हद तक पावर इफिशियंट है, एनर्जी इफिशियंट है, हीटअप को थोड़ा कंट्रोल करके रखता है, LPDDR4X रैम, UFS 3.1 के साथ में दोनों में ही, और एंटीटू बेंचमार्क आता है लगभग 6,90,000 अप्रोक्सीमेट 7 लाख के आसपास का। यहाँ पर जो वेरिएंट है ना दोस्तों वो फिलहाल सामने नहीं आए हैं। यहाँ पे आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाते हैं। डायमेंसिटी 1200 को मैंने अपने OnePlus Nord 2 के अंदर काफी हद तक बहुत तकड़े तरीके से गेमिंग करके देखा हुआ है दोस्तों। कोई तरह का जिटर, लैगिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप, हैंग होना, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। काफी एकदम बटर स्मूथ जो कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा चलता है। नो डाउट जो डायमेंसिटी 1200 है वो आपको एक बेहतर क्वालिटी दे पाएगा। सेम प्रोसेसर का स्मार्टफोन हमने यूज किया है OnePlus Nord 2। इसके अलावा जब भी स्मार्टफोन हमारे पास में आएंगे, 1-2 दिन हाईएस्ट है दोस्तों इनकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार बेल आइकन को चेक कर लीजिए। कैमरा की बात की जाए तो दिन और रात और जमीन और आसमान, उससे भी बड़ा फर्क है यहाँ पे, क्योंकि कैमरा के अंदर वीवो ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो। यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है वो आएगा 50 मेगापिक्सल का और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। यहाँ पे हाँ दोस्तों एक चीज को आप ध्यान में रखना होगा, मैंने डिस्प्ले में मैं भूल गया कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपको बड़ी सी नॉच के साथ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्फी के अंदर 2-2 कैमरा मिलते हैं। तो इस चीज को आप है ना डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा मेंशन कर लेना अपने हिसाब से। सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, इसका मतलब अगर आप ग्रुप सेल्फी वगैरह लेते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन तरीके से फील्ड ऑफ व्यू को यहाँ पे कवर कर पाएगा। 105 डिग्री FOV आता है जिसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। 4K की बात की जाए तो दोनों में ही, रियर के अंदर भी और फ्रंट के अंदर भी, आप 4K से रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, और ये चीज आपको रेनो नहीं दे पाएगा, क्योंकि रेनो में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766। ये हालांकि एक फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है, वीवो के अंदर मुझे सेंसर अभी फिलहाल कंपनी ने नहीं बताया है। 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, ये तो दोनों के अंदर इन्हें आप काट दीजिए, दोनों के अंदर ही कोई मतलब नहीं है। सस्ते वाले सेंसर है, अल्ट्रा वाइड फिर भी काम आएगा, मैक्रो तो बिल्कुल नहीं आएगा। सेल्फी की बात की जाए, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, यहां पर आपको एक ही कैमरा मिलता है सेल्फी के अंदर, वीवो की तरह अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। रियर कैमरा में आप 4K 30fps पे और फुल HD 30, 60, 120fps तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा में आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, फुल HD पे 30fps। तो अगर हम बात करें कि अगर आप एक कैमरा लवर हैं, उस केस में आप वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, ग्रुप वीडियो, ग्रुप सेल्फी वगैरह लेते हैं, उस केस में आपके लिए रेनो इतना ज्यादा काम नहीं आ पाएगा। उस केस में आपको वीवो की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वहां पर एक मजबूरी है कि एक बड़ी सी नॉच मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, चार्जिंग की, तो वीवो में आपको मिलती है 4300mAh की बैटरी, 44W की चार्जिंग इन द बॉक्स मिल जाएगी। रेनो की बात की जाए, बैटरी जरा सी बड़ी है, 4500mAh की बैटरी, 65W का चार्जर आपको मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए, जहां पर इनके फीचर्स और प्राइस सेगमेंट हमारे सामने हैं। मैं ना दोस्तों प्राइस के हिसाब से एक बार कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्राइस सेगमेंट फिलहाल हमारे एक्यूरेट सामने नहीं आई है। फीचर वाइज अगर बात की जाए तो जो बिल्ड क्वालिटी है दो यूजर के लिए दोनों अलग अलग हैं। वीवो में आपको मिलता है कलर चेंजिंग बैक पैनल, वहीं आपको रेनो में मिलता है बहुत ही बॉक्सी डिजाइन, थर्ड जनरेशन क्रिस्टल लाइनिंग मिलती है, कैमरा बम्प के साइड में आपको LED लाइट मिलती है। तो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग हो सकती है, अपनी अपनी पसंद है। अगर हम बात हो सकती है अपनी अपनी पसंद है। डिस्प्ले की बात की जाए, डिस्प्ले वैसे सेम है, लेकिन अगर आपको वही एक तो 3D कर्व, एक फ्लैट, वो बात आ गई, बड़ी सी नॉज है वीवो के अंदर। इसके अलावा अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट में काम ज्यादा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको वीवो की तरफ जाना चाहिए। रेनो की जो ब्राइटनेस पीक है ना वो थोड़ी सी कम है,
परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, ये सब कुछ लगभग आपको ऑन पेपर एक जैसे ही मिलते हैं। आने के बाद में पता चल जाएगा, टेस्टिंग करेंगे कि कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितना पावरफुल है। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। कैमरा की बात की जाए तो कैमरा दोस्तों वीवो का स्मार्टफोन अगर सस्ता आता है या फिर सेम रेट में भी आता है, उस केस में आपके लिए कैमरा के मामले में वीवो बेहतर है, काफी हद तक बेहतर है रेनो से। बैटरी और चार्जिंग अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। दोस्तों यह है वो वीडियो जहां मैंने कोशिश की है कि आपके मन में जो भी डाउट है उन्हें यहां पे क्लियर कर पाऊं वीवो V23 Pro और रेनो 7 Pro के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं, अपना एक ड्रीम स्मार्टफोन लेने में अब आप सक्षम हैं। फिर भी अगर कोई भी सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, आपको मेरी तरफ से वहां पे रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा। गिव अवे हमारे चैनल पर लाइव है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।